ताजा आंकड़ों के हिसाब से आज पाकिस्तान में 38 मिलियन यानी 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। इसके मायने ये हुए कि पाकिस्तान में जिसकी कुल आबादी 25 करोड़ के आसपास है, हर छठा या सातवां पाकिस्तानी अपना गुजारा भीख मांगकर चलाता है। जिन्ना ने कहा था कि फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी, मगर जिन्ना के बनाए मुल्क पाकिस्तान ने फेलियर के नए नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। आज भीख मांगने की प्रवृत्ति पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी समाज का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। और तो और, मिडिल ईस्ट का ऐसा कोई मुस्लिम देश नहीं बचा जहां से पाकिस्तानी भिखारियों को नहीं निकाला गया। पाकिस्तान में एक महामारी की तरह फैलती भीख मांगने की प्रवृत्ति अचानक से पैदा नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान के सियासतदानों ने मुल्क की तरक्की के लिए सबसे आसान रास्ता चुना विदेश से खैरात का। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की पहचान बन चुकी फैजल मस्जिद के लिए फंडिंग दी थी बतौर तोहफा सऊदी हुकूमत ने। इसीलिए इस मस्जिद का नाम सऊदी अरब के सुल्तान फैजल बिन अब्दुल अजीज के नाम पर फैजल मस्जिद रखा गया। पाकिस्तान में न जाने कितनी इमारतें, कितने सरकारी स्कीम्स, कितने स्कूल कॉलेज सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका या दूसरे देशों के पैसों से चलते हैं। 1947 में पाकिस्तान में मात्र 189 मदरसे थे, जबकि आज पाकिस्तान में लगभग 40,000 मदरसे हैं, जिसमें लाखों बच्चे इस्लाम का कट्टरपंथी वर्जन सीख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मदरसे सऊदी जकात के पैसों पर चलते हैं। 1947 से ही पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक मदद आती रही। फिर पाकिस्तान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अपनी जमीन पर सीक्रेट बेस बनाने की अनुमति भी दे दी, ताकि अमेरिका से डॉलर की आमद जारी रहे। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हमले के बाद और 2001 में अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ अमेरिकी जंग में भी मिडिलमैन बनकर पाकिस्तान ने अरबों डॉलर बटोर लिए। सन 2011 तक पाकिस्तान को अमेरिका से 67 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद मिल चुकी थी। 1955 में पाकिस्तान मुफ्त डॉलर्स के लालच में अमेरिका के कम्युनिस्ट विरोधी गठबंधन सेंटो का सदस्य बन गया, मगर जब भीख मांगने का मौका मिला तो पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट चीन से भी जमकर गलबहिया की। यहाँ तक कि जब चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ के पांव कब्र में लटके हुए थे, तब भी आर्थिक मदद की तलाश में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो माओ के सामने सलामी बजाने पहुंच गए। मरणासन्न माओ की आखिरी सार्वजनिक तस्वीर भुट्टो के साथ ही ली गई थी। माओ के साथ भुट्टो की इस मुलाकात से एक बात तो साबित हो जाती है कि जब दूसरे देशों से खैरात मांगने की बात होती है तो पाकिस्तानी न आव देखते हैं न ताव, बस झोली फैलाकर खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए इमरान खान भी पुतिन से मिलने ऐसे नाजुक मौके पर मॉस्को पहुंच गए थे जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। पाकिस्तानी नेताओं की इसी बेशर्मी का नतीजा है कि शहबाज शरीफ को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान के नेता अपने दोस्त मुल्कों के दौरों पर जाने की बात भी करते हैं तो उन मुल्कों की सरकार इस चिंता में पड़ जाती है कि कहीं पाकिस्तानी फिर से खैरात मांगने तो नहीं आ रहे। हर जगह हर समय हाथ फैलाने वालों से तो सभी दूरी ही बनाकर रखना चाहते हैं। और जब से पाकिस्तानी क्रिकेटर और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चंदे के पैसों से अपनी मां के नाम से कैंसर हॉस्पिटल बनवा दिया, तो पाकिस्तानी नेताओं को लगने लगा कि वो अपने देश के लोगों से भी चंदा मांगकर सरकार के कामकाज कर सकते हैं। इसीलिए 1997 में तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जोर शोर से कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम लॉन्च कर दी, जिसमें विदेशी कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तानी सरकार अपने देश के लोगों से ही चंदा मांग रही थी। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के लोगों से ही लगभग 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इकट्ठे किए गए। इस रकम का क्या हुआ, खुद पाकिस्तानी सरकार को भी इसका पता नहीं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए चंदे की दरख्वास्त कर डाली। और आज यही भीख मांगने की फितरत पाकिस्तान के समाज का भी अटूट हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तानी शहरों के चौराहों पर भिखारियों के हुजूम दिखाई देते हैं, जिनमें बूढ़े बच्चे मर्द औरत सभी शामिल होते हैं, जिनमें से कई भिखारी माफिया गैंग का हिस्सा भी हुआ करते हैं। पाकिस्तान में 2022 तक लगभग 2.5 करोड़ भिखारी थे। कईयों ने भीख मांगने को अपना पेशा ही बना लिया है और भीख मांग कर लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी भी खड़ी कर ली है। कोविड की मार, 2022 की विनाशकारी बाढ़, महंगाई बढ़ने और मुल्क की इकोनॉमी के क्रैश होने से पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद में बमफाड़ इजाफा हो गया है। एक देश के तौर पर पाकिस्तान कितना बड़ा फेलियर है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि आज हर छठवां पाकिस्तानी एक भिखारी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की एक कमेटी को
उनके विदेश सचिव ने कुछ दिन पहले बताया कि विदेशों में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। मक्का मदीना में तो पाकिस्तानी शायद हज करने नहीं बल्कि भीख मांगने ही जाते हैं। मिडिल ईस्ट के देशों को तो छोड़िए, पाकिस्तानी भीख मांगते हुए जापान जैसे देश में भी गिरफ्तार हुए हैं। एक पाकिस्तानी युवती लाइबा ने तो मलेशिया में भीख मांग मांग कर 2 फ्लैट और 1 गाड़ी खरीद ली। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अगर आज जिंदा होते तो वो कहते कि मेरे अजीज हमवतनों, मुझे जहर भर कटोरा ही दे दो पीने को, मगर बकौल शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान के तो वैसे मजे ही मजे थे। बांग्लादेश के बनने तक पाकिस्तान जूट का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। उसके बाद पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्ट करने लगा, फिर गधे, और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।